कानूनी रूप से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रायबली सदर के बेहटा खुर्द गांव में रोटरी क्लब रायबली के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक जागरूकता शिविर में आए मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अभिनव जैन ने कहा, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराना प्रत्येक निर्धन व्यक्ति का अधिकार होता है। आपराधिक मामलों में यदि एक अभियुक्त को कानूनी मदद नहीं मिली और वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा है या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में कानून और सरकार पीड़ित की पैरवी करने के लिए निशुल्क व्यवस्था कराती है। इसके पूर्व रोटरी क्लब रायबली के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि के और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बेहटा गांव को गोद लेकर यहां के प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए रोटरी क्लब रायबली कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का पैनल बनाकर समय समय पर बेहटा गांव के लोगों को कानूनी मदद प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में नायब मजिस्ट्रेट पुनीत मोहनदास, उप जिलाधिकारी सदर शिखा शंखवार, नायब तहसीलदार डॉक्टर ब्रजेश सिंह, अस्थासी अधिकारी नगर पालिका पार्षद आशीष सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी के पूर्व अध्यक्ष राजीव भार्गव ने दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्ञानेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा किया गया। रोटरी क्लब रायबली के सचिव संजय श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्याम कुमार ने संयुक्त रूप से आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष उमेश सिकरिया, परावधिक स्वयं सेवक पवन श्रीवास्तव, ब्रजपाल, आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एसएम न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ। अब इसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, कि धन के अभाव में आपको विधिक मदद, इसका मुख्य उद्देश्य है। वैवाहिक मामले होते हैं जो हर घर में कभी ना कभी हो ही जाते हैं, पति पत्नी के बीच में। अब पति पत्नी के बीच